प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। 1 फरवरी मंगलवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऑफ टीचर वेलफेयर संघ के अध्यक्ष अजय चौबे के नेतृत्व में सभी प्राइवेट स्कूल एवं कोचिंग संस्थानों के निदेशकों एवं शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। संघ ने सरकार से स्कूलों को अविलंब खोलने की मांग की। संघ ने अपना मांग पत्र अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं जिला पदाधिकारी को सौंपा। संघ ने इस धरने के माध्यम से यह चेतावनी दी कि यदि सरकार हमारी मांगों को मानते हुए विद्यालयों को तथा शिक्षण संस्थानों को 7 फरवरी तक खोलने का आदेश नहीं देती है तो यह आंदोलन उग्र रूप से चरणबद्ध आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मैं सुभाष चंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष, पश्चिम चंपारण प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। मुझे यह सरकार से मांग करनी है कि सरकार विद्यालय को जल्दी से जल्द शुरू करे, अन्यथा बच्चों का भविष्य अंधकार में होते जा रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी एक कम समझ वाली हो, एक ना समझ हो, और यह सरकार के गलत नीति के चलते हो रहा है। अगर सरकार 7 तारीख से स्कूल नहीं खोलती है तो हम लोग इसके लिए बहुत आगे तक जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग विशेषकर चाहते हैं कि किसी तरह से स्कूल खुले, कोचिंग संस्थान खुले, ताकि हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा सके। इसी वजह से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाने की सुविधा भी उपलब्ध है, इसके बारे में क्या कहें? ऑनलाइन पढ़ाने की सुविधा किसके लिए है? अमीर लोगों के लिए है। गाँव में सरकार ने कितना मोबाइल बांटा है? गांव में जिसके पास 2-3 बच्चे हैं उनके पास कितने स्मार्टफोन हैं? लोगों को ठीक ढंग से आता नहीं है मोबाइल चलाने। दूसरी बात है कि जियो वाले प्लान ये सब कितने महंगे हो गए हैं, ये सब के बारे में कोई बात नहीं है। ऑनलाइन क्लास तो एक तरह से बस केवल मजाक है, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक मजाक है कि हाँ चलो ऑनलाइन करके तुम्हारा काम पूरा कर रहे हैं, कोरम पूरा कर रहे हैं। आजकल बच्चों से आप इंटरव्यू ले लीजिए, कितने बच्चे ऑनलाइन क्लास से सेटिस्फाइड हैं? बच्चे अश्लीलता का उसमें बच्चे अश्लीलता का शिकार हो रहे हैं ऑनलाइन क्लास की वजह से। आप लोग क्या मांगे? हम लोग के मुख्य मांगे हैं कि किसी तरह से 7 तारीख से स्कूल खुले। अगर 7 तारीख से स्कूल नहीं खुलता है तो फिर हम लोग एक चरणबद्ध आंदोलन करेंगे।